हाय गाइस, आज हम लोग सेट डिफ़ॉल्ट मेथड देखने वाले हैं। दिस मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, यानी कि जो की आप इसमें लिखेंगे उस की का जो वैल्यू होगा उसको ये रिटर्न करके बताएगा। अगर ऐसा की आप लिख देते हैं जो कि मौजूद नहीं है, उस केस में वह उस की को इंसर्ट करेगा और उसके साथ जो वैल्यू लेयर रहेगा उस वैल्यू को भी इंसर्ट करेगा। मतलब अगर की मौजूद है तो उसका वैल्यू मिलेगा, अगर की मौजूद नहीं है तो वह की इंसर्ट कर दिया जाएगा। सिंटेक्स इसका, डिक्शनरी का नाम लिखना है, सेट डिफ़ॉल्ट लिखना है, की और वैल्यू यहाँ पर आपको दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा stu डॉट सेट डिफ़ॉल्ट और मैंने की लिखा 109 और मैंने इसका वैल्यू लिख दिया रोहित। अगर 109 मेरे डिक्शनरी में है, यानी कि stu डिक्शनरी में है, तो उसका वैल्यू मुझे रिटर्न होकर मिलेगा। अगर नहीं है तो मुझे तो ये इंसर्ट हो जाएगा उस डिक्शनरी में। इनिशियली हमारे पास ये डिक्शनरी है जिसमें 101, 102 और 103 है। तो हम लोग कोई ऐसा की अभी लिखेंगे जो कि मौजूद है, तो हम लोग लिखेंगे पहले stu डॉट सेट डिफ़ॉल्ट यल मेथड। इसमें हम लोग लिखेंगे 102। तो ये की मौजूद है, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से हमें ये रिटर्न करके दे देगा। रिटर्न इसका क्या लिखूँ मैं, नाम है रिटर्नड वैल्यू। इस की का जो भी वैल्यू होगा वह हमें रिटर्न करके इसमें मिल जाएगा। हम लोग इसको फर्दर प्रिंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट रिटर्न वैल्यू, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करें तो हमें यहाँ रिटर्न होकर मिलता है 102 में जो भी वैल्यू था वह। अब इसके साथ मान लीजिए कोई हम लोग वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया राज है, तो हम लोगों ने पाइथन इसको कर दिया, सेव किया और इसको रन किया, तो ये हमें राज ही रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि हमने जो की दिया हुआ है, ये की मौजूद है यहाँ पर, इसलिए इसका जो अपना वैल्यू है वह हमें रिटर्न होकर मिलता है। अगर कोई ऐसा की होता है जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल 109 जो कि यहाँ पर नहीं है, इस केस में यह क्या करेगा, यह इस की वैल्यू को यहाँ इंसर्ट कर देगा। सो इंसर्ट होने के बाद हमारा stu क्या होगा वह हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग को कोड लिखना पड़ेगा। मैं क्विकली लिखता हूँ। सो मैंने कुछ चीज़ें बेहतर बनाने के लिए लिख दिया, आफ्टर सेट डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी, पता नहीं क्या लिखा, इसको साथ में कर देते हैं। आफ्टर सेट डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी stu को प्रिंट करेंगे तो हमें नया जो की है वह हमें इंसर्ट होकर दिखाई देगा। देन उसका आईडी भी हम लोग देख लेंगे और रिटर्नड वैल्यू यानी कि जो इंसर्ट हो रहा है उसका वैल्यू हमें रिटर्न होकर भी मिलेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको क्विकली रन करते हैं। रन किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको ओरिजिनल डिक्शनरी मिलता है ये वाले सारे एलिमेंट्स के साथ, और यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है ऐड करने के लिए नहीं, एक्चुअली में यह अलग तरीके से काम करता है। इसका अगर मैं आपको कोड दिखा पाऊँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। सो ये हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी है, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला लिखा, यानी कि सेट डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ किया। हमने कहा कि अगर ये की मौजूद है तो इसका वैल्यू मुझे रिटर्न करके दे दो, अगर ये की मौजूद नहीं है तो ये की और इसके साथ ये वाला वैल्यू इंसर्ट करो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट हो गया है। ये हमें इंसर्ट होने के बाद ये वाले कोड से देखने को मिल रहा है। देन साथ में आपका जो इंसर्ट हुआ है उसका जो वैल्यू है वह भी हमें रिटर्न करके ये इसमें देता है, जिसको मैंने यहाँ प्रिंट कर लिया, इससे हमें ये दिखाई दे रहा है। देन आप देखेंगे दोनों की आईडी बिल्कुल सेम है, यानी कि सेम ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है यहाँ। सो गाइस, ये हमारा है सेट डिफ़ॉल्ट, जिसके थ्रू आप समझ लीजिए कि एक तरीके से आप इसमें एक ऐसा आपको तरीका मिलता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि कभी आपको आवश्यकता पड़ती है, इस तरीके से समझिए कि एक की मेंशन कर दिया मैंने, अगर उस वह की मौजूद है तो उसका वैल्यू मुझे मिल जाए, अगर वह की मौजूद नहीं है तो वह इंसर्ट हो और उसका वैल्यू मिल जाए। मतलब किसी भी दोनों ही केस में वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए, या तो आप चेक कर लो वो मौजूद होगा, या फिर आप चेक कर लो वो मौजूद नहीं होगा तो इंसर्ट करके मुझे वैल्यू दो। सो इस तरह का जब सिनेरियो आएगा कभी, तो आपको सेट डिफ़ॉल्ट मेथड का यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।